नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद सॉल्यूशनर वीके न्यूज। बैग और सूटकेस निर्माता कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज के ब्रांड स्काई बैग का विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विज्ञापन में मलयाली एक्ट्रेस सुमी राशिका और एक्टर विष्णु के विजयन है। विष्णु इसमें मुस्लिम पुरुष और सुमी एक हिंदू महिला बनी है। मुस्लिम पुरुष वीडियो में हिंदू महिला के पहनावे में अपने हिसाब से बदलाव करते हुए दिखाई दे रहा है। उसे महिला के माथे से बिंदी हटाते हुए भी देखा जा सकता है। वायरल विज्ञापन के अंत में स्काई बैग के कई ट्रॉली बैग्स को भी दिखाया गया है, जिस पर स्काई बैग मूव इन स्टाइल लिखा हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा वीआईपी के इस एड के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। वहीं बैग कंपनी वीआईपी ने इस वायरल विज्ञापन का खंडन किया है और इसे लेकर केरल और मुंबई पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने वीआईपी विज्ञापन होने का दावा करने वाले इस वीडियो को पूरी तरह से फेक और दुर्भावनापूर्ण बताया है। वहीं कंपनी ने इस मामले को लेकर बयान जारी कर कहा, फेक वीडियो के निर्माता ने हमारी कंपनी, व्यवसाय और ब्रांड नाम वीआईपी और स्काई बैग की छवि को धूमिल करने के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज और स्काई बैग ब्रांड नामों का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया है। हमारी कंपनी का फर्जी वीडियो जारी करने वाले से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा, हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमने ये वीडियो जारी नहीं किया है और इस वीडियो को जारी करने वाले व्यक्ति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। एक कंपनी के रूप में वीआईपी इंडस्ट्रीज ने फर्जी विज्ञापन के मुद्दे को गंभीरता से लिया। हमने वीआईपी ब्रांड नामों को गलत इस्तेमाल के लिए मुंबई और केरल की पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। इसके अलावा वीआईपी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक से वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि मलयाली एक्ट्रेस सुमी राशिक और एक्टर विष्णु के विजयन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ईद के मौके पर इस विज्ञापन को शेयर किया था। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।